श्री माता जी निर्मला देवी एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। आइए पहले ये जानते हैं कि श्री माता जी कौन है और भारत देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका क्या योगदान रहा है। श्री माता जी निर्मला देवी जी का जन्म 21 मार्च सन 1923 में छिंदवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। उनके दादाजी शालीवाहन वंश के वंशज थे। श्री माता जी का जन्म केवल एक शाही खानदान में ही नहीं बल्कि एक पवित्र और न्यायपरायण परिवार में हुआ था। श्री माता जी बचपन से ही बहुत ही क्रीडात्मक रहे हैं। वे बैडमिंटन में स्टेट चैंपियन भी रह चुके हैं। श्री माता जी पढ़ाई में भी बहुत उत्तम थे। उन्होंने सन 1940 में मैट्रिक पास किया और सन 1945 में अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी की थी। श्री माता जी के पिताजी श्री पी के सालवे जी बहुत बड़े देशभक्त थे। वे गांधी जी को बहुत मानते थे। श्री माता जी की माँ कार्नेलिया बाई भी आज़ादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय रही है। सन 1930 एवं 1933 के दौरान जब स्वतंत्रता आंदोलन अपने शिखर पर था तब श्री माता जी के माता पिता को आए दिन बैठकों में जाना पड़ता था। इस कारण वे घर गृहस्थी पर ध्यान नहीं दे पाते थे और इसी कारण जब श्री माता जी 8 वर्ष की थी तभी उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। श्री माता जी ने बहुत ही धैर्य और करुणा से उनकी देखभाल की। साथ ही साथ वह घर के काम भी स्वयं ही किया करती थी। श्री माता जी स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में गांधी जी के आश्रम में जाया करते थे। गांधी जी प्यार से श्री माता जी को नेपाली कहकर पुकारते थे। श्री माता जी को अपने देश के प्रति बहुत प्रेम था। वे भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे हैं। श्री माता जी को इस आंदोलन के दौरान बहुत सी यातनाओं का सामना भी करना पड़ा था। सन 1942 में वे अंग्रेजी स्कूल व कॉलेज के बाहर धरना देने जाया करते थे। उन्होंने अपने खुद के कॉलेज के आगे भी धरने दिए। इस कारण उन्हें अपने कॉलेज से निष्कासित भी किया गया। फिर भी वे न माने। तब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया। उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए पर श्री माता जी का जज्बा कायम रहा। उन्होंने हार नहीं मानी, सच्चाई का साथ दिया और स्वतंत्रता सेनानी बनके वे स्वतंत्रता के लिए खूब लड़े। श्री माता जी ने बहुत से भूमिगत कार्य यानी के अंडरग्राउंड वर्क भी किए हैं। भूमिगत कार्य दल में उन्होंने गांव तथा शहरों में घूमकर लोगों को पर्चे बांटकर स्वतंत्रता आंदोलन की ओर जागरूकता बढ़ाने का कार्य भी किया। यह भूमिगत कार्य अंग्रेज सरकार से छिपकर करना पड़ता था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्री माता जी के भूमिगत कार्यों के कई दिलचस्प प्रसंग भी है। एक बार जब वह बॉम्बे में विस्फोटकों से भरा एक बॉक्स ले जा रहे थे, उनके साथ एक दोस्त यात्रा कर रहा था और अचानक उन्होंने सुना कि पुलिस माधव आश्रम नामक उनके होटल में आ रही है। श्री माता जी ने बॉक्स पर एक रस्सी बांधी और उसे खिड़की के बाहर लटका दिया। जब पुलिस तलाशी के लिए आई तो उन्हें कमरे में कुछ भी नहीं मिला और वे वहां से चले गए। श्री माता जी और उनके पिताजी श्री पी के सालवे जी कई बार जेल जा चुके हैं परंतु उनका देश के प्रति प्रेम नहीं झुका। वे फिर भी आंदोलन में दृढ़ता से खड़े रहे और लड़ते रहे। श्री माता जी का विवाह 7 अप्रैल सन 1947 में चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव जी से हुआ। सी पी श्रीवास्तव जी एक उच्च पद के सिविल सर्वेंट थे। सर सी पी श्रीवास्तव जी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। श्री माता जी और सर श्री पी श्रीवास्तव दोनों एक ही सपना देख रहे थे, भारत देश को आज़ाद देखना, जो कि जल्द ही पूरा होने वाला था। 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हो चुका था
और पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल था। श्री माता जी की दो बेटियां भी थी, श्री कल्पना जी और श्री साधना जी। इस सांसारिक जीवन में अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के बाद श्री माता जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन ही रहा है और उनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। श्री माता जी बचपन से ही आध्यात्मिकता को पहचानते थे और मानव जाति को सांसारिक एवं भौतिक आदतों की गुलामी से छुड़ाने के लिए एक उपाय खोजने की कोशिश कर रहे थे। उस अंत तक श्री माता जी ने विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बारे में काफी पढ़ा। उन्होंने ऐसे कई प्रख्यात संतों के भाषण और उपदेश भी सुने, परंतु श्री माता जी ने जाना कि सभी उपदेश मानसिक स्तर पर थे और इन सब मानसिक कलाओं से मानव जाति को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तभी श्री माता जी को ज्ञात हुआ कि मानव जाति के कल्याण हेतु यह समय परिपक्व है और उन्होंने 5 मई सन 1970 को पूरे ब्रह्मांड का सहस्रार चक्र खोला। श्री माता जी ने पूरे विश्व में घूमकर सहज योग ध्यान बताया और आज 120 से भी ज्यादा देशों में सहज योग फैला हुआ है। सहज योग के माध्यम से श्री माता जी मनुष्य को आत्म साक्षात्कार दिलवाना चाहती थी और यह सपना साकार हुआ। आज पूरे विश्व भर में सहज योग ध्यान किया जा रहा है और इस नए जमाने के दौर में उनके अभिभावक और सहयोगी कार्यकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन सहयोग ध्यान सिखाया जा रहा है। आइए हम भी इस सहयोग ध्यान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं।